बढ़ेंगे आगे। खबर मेरठ से है। मेरठ कॉलेज में प्राचार्य की तैनाती पर विवाद और गहराता नजर आया। नियम विरुद्ध तैनाती पर न्यूज वन इंडिया का बड़ा खुलासा। मेरठ कॉलेज की नई मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा खेल किया। भ्रष्टाचार के आरोपी को प्राचार्य बनाने की तैयारी कर ली। मनोज रावत को पुरानी मैनेजमेंट कमेटी ने अनुमति नहीं दी थी। नए मैनेजमेंट के सचिव भी फ्रॉड मामले में 30 दिन के लिए जेल जा चुके हैं। डॉक्टर मनोज रावत को एनओसी दिलाने में एक मंत्री की बड़ी भूमिका रही, तो वहीं पर एनओसी पर आगरा कमिश्नर ने भी साइन किए। मनोज रावत को एनओसी नहीं मिली। अवैधानिक एनओसी देना प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तथ्य को छुपाकर नियुक्ति पत्र जारी किया गया। मेरठ कॉलेज में अपनी नियुक्ति का पत्र जारी किया। मनोज रावत के पिता बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, ये भी जानकारी आपको दे दें। तो कुल मिलाकर तमाम जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई हमने आपके साथ साझा की है कि कैसे प्रिंसिपल का जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर है एनओसी देना, लेकिन बावजूद उसके तथ्यों को छुपाकर नियुक्ति पत्र जारी किया गया। पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट लेंगे। मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ कॉलेज में प्राचार्य की तैनाती पर विवाद और गहराता जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसे जो नियम हैं या फिर जो एनओसी देने की जो जिम्मेदारी बनती थी वो उनके दायरे में नहीं आता, बावजूद उसके जारी कर दिया जाता है। जरा इस पर पूरी जानकारी दीजिए, क्या अब तक लगा? देखिए, मेरठ कॉलेज के प्राचार्य की तैनाती को लेकर के जिस तरह से लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेरठ कॉलेज के मैनेजमेंट की कमेटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा खेल किया गया है। अभी तक की अगर बात की जाए तो फिलहाल देखने को मिल रहा है कि जो मनोज रावत है, पुरानी मैनेजमेंट कमेटी ने उनको अनुमति नहीं दी थी, लेकिन नए जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से इनके लिए एनओसी अनुमति दी जा चुकी है। लगातार मैनेजमेंट के सचिव की बात की जाए, नए मैनेजमेंट सचिव की बात की जाए तो उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व में जेल में रह चुके हैं, उसके बावजूद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फ्रॉड करके एक गाड़ी खरीदी गई थी, उसको बेच दिया गया था नई करके, एनओसी उसकी दे दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर ये बड़ा विवाद फैलता हुआ नजर आ रहा है, प्रदेश सरकार के मंत्रियों से लेकर के राज्यसभा सांसदों तक की अगर बात की जाए तो मनोज रावत के लिए कहीं ना कहीं संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर के मेरठ कॉलेज की अगर बात की जाए, देखिए बहुत पुराना कॉलेज है, 1892 से मेरठ कॉलेज की स्थापना होती है और उसके बाद लगातार मेरठ कॉलेज ने देश के लिए प्रधानमंत्री हों, प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री हों, ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ साथ अगर जुडिशरी की बात की जाए तो जज तक के लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मेरठ कॉलेज के प्राचार्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके खिलाफ लगातार बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एनओसी पर आगरा कमिश्नर ने भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, देखिए आगरा में पूर्व में मनोज रावत तैनात थे, वहां से मेरठ के लिए ट्रांसफर करवाते हैं लेकिन ट्रांसफर उनका कहीं और होता है, उसके बाद मेरठ में साठ गांठ के बाद मेरठ में प्राचार्य के पद के लिए ट्रांसफर कराया जाता है, एनओसी नहीं मिल पाती है, मेरठ में उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। जनवरी में वो यहाँ पर पहुंचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फरारी काटते रहते हैं। उसके बाद नई मैनेजमेंट कमेटी पर दबाव बनाने के बाद मनोज रावत यहाँ पर जो प्रक्रिया है प्राचार्य की उसको भरपूर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से मनोज रावत पर एक नहीं बल्कि कई बड़े आरोप हैं, कई बड़े घोटाले के आरोप हैं, चाहे एससी एसटी कोचिंग घोटाला हो, लाइब्रेरी पुस्तक की बात की जाए खरीद की घोटाला हो, गलत तरीके से भर्ती के साथ अन्य कई गंभीर आरोप भी मनोज रावत पर लग चुके हैं। मेरठ के एक विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं जो ज्वाइनिंग का दबाव बना रहे हैं। नए मैनेजमेंट कमेटी की अगर बात की जाए, मनोज रावत की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी बड़ा खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार अगर देखा जाए जिस तरह से जो मनोज रावत है उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक तंत्रों की अगर बात की जाए, मंत्री विधायकों की अगर बात की जाए तो पूरे संरक्षण के चलते मनोज रावत के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग कराने के लिए, नियुक्ति कराने के लिए संभव प्रयास किया जा रहा है। नया मैनेजमेंट कमेटी की अगर बात की जाए, जो कमेटी है जो गठित हुई है वो कहीं ना कहीं मनोज रावत के लिए संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। बल्कि अगर बात की जाए, नए मैनेजमेंट कमेटी के सचिव पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से मेरठ कॉलेज के नाम को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।